समापन। हम सबको आगाह किया गया था कि गुरुवार को मजिस्ट्रेट के आगे हाजिर हूँ, पर गुरुवार आने पर हमारी गवाही की कोई जरूरत नहीं रही। एक सीनियर जज ने मामला अपने हाथ में ले लिया था। जेपसन होप को एक ट्रिब्यूनल के सामने पेश होना था, जहां उसे कड़ी सजा सुनाई जानी थी। कैद होने वाली रात ही उसके दिल की धमनी फट गई और सवेरे वह अपने सेल की फर्श पर पड़ा मिला। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मानो वह अपने आखिरी लम्हों में अपनी बिताई जिंदगी से खुश हो। ग्रेगसन और लेस्ट्रेड उसकी मौत से बौखला जाएंगे, होम्स ने टिप्पणी की, जब हमने अगली शाम बात की। अब उनके पास हांकने के लिए क्या रह जाएगा? इस मामले में उन्होंने किया ही क्या था? मैंने जवाब दिया। इस दुनिया में तुम क्या करते हो, यह बात कोई मायने नहीं रखती, मेरे दोस्त ने कड़वाहट से कहा। सवाल यह है कि तुम दूसरों को क्या भरोसा दिला सकते हो कि तुमने क्या किया है। खैर कोई बात नहीं, वह थोड़ा रुककर बोला। इस खोजबीन को मैं अपने हाथ से गंवाना नहीं चाह रहा था। मेरी याद में इससे बेहतर केस आज तक नहीं आया है। हालांकि बहुत सादा था, पर फिर भी इससे कई बातें सीखी जा सकती हैं। सादा, मैं बोल पड़ा। असल में इसको और कुछ नहीं कहा जा सकता, मेरे ताज्जुब पर मुस्कुराते हुए शर्लक होम्स ने कहा। इसके बेहद सादा होने का सबूत यह है कि बगैर किसी मदद के और कुछ मामूली बातों से ही मैं 3 दिनों में ही गुनाहगार तक पहुंच गया। यह बात तो ठीक है, मैंने कहा। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया है कि जो बात आम नहीं होती, ज्यादातर रोड़ा होने की बजाय रास्ता बता देती है। इस तरह की मुश्किल सुझाने में अहम बात होती है कि उल्टा तर्क शुरू करो। यह बहुत फायदेमंद कला है और बड़ा ही आसान, पर लोग इस पर अमल नहीं करते। रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा फायदा होता है कि तर्क पहली सीढ़ी से शुरू किया जाए, और इसलिए आखिरी सीढ़ी से शुरू होने वाले तर्क श्रृंखला की अवहेलना होती रहती है। मैं मानता हूँ, मैंने कहा, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम समझ पाओगे, मुझे देखने दो कि मैं इसे साफ कैसे कर सकता हूँ। अधिकतर लोग, अगर आप उनको घटनाक्रम बताएं, तो बता सकेंगे कि उसका नतीजा क्या निकला। वे उस घटनाक्रम को एक साथ मन में जोड़कर उनसे उस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि अंत में क्या हुआ होगा। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नतीजा बताने पर अपने अंदर की जागरूकता से यह समझ सकते हैं कि उस नतीजे पर पहुंचाने वाली पायदाने क्या थी। यही ताकत है जिसको मैं समझना चाहता हूँ, जब मैं तर्क की उल्टी गिनती की बात करता हूँ। मैं समझ रहा हूँ, मैंने कहा। अब यह ऐसा केस है जिसमें नतीजा बता दिया गया था और बाकी सब कुछ आपको ढूंढना था। अब मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने तर्क के अलग अलग कदम तुमको दिखा सकूं। सबसे पहले मैं पैदल ही उस घर तक गया और मेरे दिमाग में पहले से कोई छाप नहीं थी। मैंने सबसे पहले सड़क का मुआयना किया और वहां, जैसा मैं पहले ही समझा चुका हूँ, मैंने साफ तौर पर कैब के निशान देखे, जो मैंने निरीक्षण करने पर पाया वहां पर रात में रहे होंगे। मैंने यह तसल्ली कर ली कि वह कैब ही थी, कोई निजी वाहन नहीं, क्योंकि उसके पहियों के बीच का अंतर संकरा था। लंदन का साधारण कैब किसी भद्र पुरुष की गाड़ी से कम चौड़ी होती है। सबसे पहले तो मुझे यह मुद्दा मिला, फिर मैं धीरे धीरे बगीचे की पगडंडी पर गया, जो मिट्टी की थी और इसलिए कोई भी छाप लेने के काबिल। इसमें कोई शक नहीं कि तुमको कीचड़ और मिट्टी नजर आई थी, पर मेरी अनुभवी आंखों के लिए उसकी सतह पर पड़े हर निशान का कोई मतलब था। जासूसी विज्ञान की कोई भी शाखा न इतनी जरूरी है न इतनी उपेक्षित जितनी कदमों को परखने की कला। मैंने हमेशा इस पर काफी जोर दिया था और इस पर अभ्यास करते करते मेरे लिए यह मेरे स्वभाव में शामिल हो गया था। मैंने कांस्टेबल के भारी भरकम कदम देखे, पर मैंने उन दोनों आदमियों के पैरों के भी निशान देखे जो सबसे पहले बगीचे में से गुजरे थे। यह बताना आसान था कि वे ही सबसे पहले आए थे, क्योंकि कहीं कहीं उसके पैरों के निशानों के ऊपर दूसरे निशान आ गए थे। इस तरह मेरा दूसरा सुराग मिला, जिससे मैंने जाना कि रात में 2 मेहमान, एक काफी लंबा, यह अनुमान मैंने उसके कदमों की दूरी नाप कर लगाया, और दूसरा, उसने बड़े फैशन परस्त कपड़े पहने थे, यह अनुमान मैंने उसके बूटों की छाप से लगाया। घर में घुसने पर मेरे इस आखिरी अनुमान को सबूत भी मिल गया। मेरा फैशन परस्त व्यक्ति मेरे सामने पड़ा था। इसका मतलब था कि लंबे वाले ने हत्या की थी, अगर यह हत्या थी। मृत आदमी के शरीर पर कोई जख्म नहीं था, पर उसके चेहरे पर घबराहट के भाव से मैं आश्वस्त हो गया था कि उसे मौत आने से पहले ही उसका अंदेशा हो गया था। जो लोग दिल के रोग से मरते हैं या किसी प्राकृतिक कारण से, कभी भी उसके चेहरे पर घबराहट नहीं दिखती है। मृत आदमी के होंठ सूंघने पर मुझे हल्की सी खट्टी बू आई और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसको जबरन जहर दिया गया था, क्योंकि उसके चेहरे पर नफरत और भय के भाव थे।
मैं तर्क करते करते इस नतीजे पर पहुंचा था क्योंकि और किसी भी अनुमान से यह तथ्य मेल नहीं खा रहा था। यह मत सोचो कि यह एक ऐसा विचार था जो पहले कभी सुना नहीं गया था। अपराध जगत में जबरदस्ती जहर पिलाया जाना कोई नई बात नहीं है। ओडेसा में डोल्स्की और मोंटपेलिया में लेटरिया के मामले हर विश्वविद्या के जानकार को याद आ जाएंगे। अब बड़ा सवाल यह उठा कि इसका कारण क्या था। इस हत्या का इरादा लूटपाट करना नहीं था, क्योंकि कुछ भी नहीं लिया गया था। फिर क्या यह राजनीतिक था या फिर किसी औरत से संबंधित? यह सवाल मेरे सामने उठ रहा था। मैं शुरू से ही दूसरे वाले अनुमान को सही मान रहा था। राजनीतिक हमलावर अपना काम करके भाग जाते हैं। इसके विपरीत यह हत्या जानबूझकर की गई थी और हत्यारे ने अपने सुराग पूरे कमरे में छोड़ रखे थे, यह दिखाते हुए कि वह सारा समय इस कमरे में रहा होगा। यह कोई निजी अन्याय रहा होगा, राजनीतिक नहीं। तभी इतना सोचा समझा इंतकाम लिया गया। जब दीवार पर लिखावट पाई गई तो मेरा यह यकीन और भी पक्का हो गया। जाहिर था यह बात जानबूझकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए लिखी गई थी। जब अंगूठी पाई गई तो जवाब तय हो गया। साफ था कि हत्यारे ने अपने शिकार को वह अंगूठी किसी मृत या गैरहाजिर औरत की याद दिलाने के लिए दिखाई होगी। इस मोड़ पर मैंने ग्रेगसन से पूछा कि क्या उसने क्लीवलैंड में भेजे तार में यह पूछा था कि मिस्टर ड्रेबर का पहला पेशा क्या था। तुमको याद होगा कि उसने इसका नकारात्मक जवाब दिया था। उसके बाद मैंने कमरे की गौर से जांच की, जिससे मेरे इस अनुमान को सबूत मिला कि हत्यारे का कद ऊंचा था और दूसरी जानकारियां भी मिली, जैसे ट्रिशनोपोली सिगार और नाखूनों की लंबाई। मैं पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था क्योंकि संघर्ष का कोई निशान नहीं था। इसका यही मतलब था कि जमीन पर पड़ा खून हत्यारे की नाक से उत्तेजना के मारे बहा होगा। मैंने देखा था कि खून की धार उस पैरों के निशान के साथ साथ फैल रही थी। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी आदमी की उत्तेजना में इस तरह नकसीर फूट पड़ती हो, जब तक वह हृष्ट पुष्ट न हो। इसलिए मैंने यूं ही अंदाज लगाया कि अपराधी हट्टाकट्टा और लाल चेहरे वाला था। घटनाओं ने दिखा दिया कि मैंने सही परखा था। घर छोड़ने पर मैं वह करने गया जो ग्रेगसन ने अनदेखा किया था। मैंने क्लीवलैंड के पुलिस प्रमुख को तार भेजकर सिर्फ इतना ही पूछने की कोशिश की कि एनोक ड्रेबर की शादी से जुड़ा घटनाक्रम क्या था। उससे मुझे पता चला कि ड्रेबर ने कानून से अपनी रक्षा की गुहार की थी कि उसकी मोहब्बत को एक पुराने प्रतिद्वंदी से बचाया जाए जिसका नाम जेफरसन होप है और यह होप इस समय यूरोप में है। मैं जान चुका था कि रहस्य का सुराग अब मेरी मुट्ठी में है और अब सिर्फ हत्यारे को पकड़ना भर रह गया है। मैं अपने मन में फैसला कर चुका था कि ड्रेबर के साथ जो शख्स घर में घुसा वह वही था जो कैब चला कर आया था। सड़क पर पड़े निशानों से मैंने समझ लिया कि घोड़े ऐसे चल रहे हैं मानो उनको हांकने वाला कोई नहीं था, तो फिर गाड़ीवान कहाँ हो सकता था सिवाय घर के अंदर होने के। फिर यह सोचना भी पागलपन था कि कोई आदमी अपराध करेगा जो शर्तिया उसकी पोल खोल देगा। अंत में मान लो कि कोई आदमी लंदन में किसी का पीछा करना चाहे, तो कैब ड्राइवर बन जाने से अच्छा वह और कौन सा रास्ता अपना सकता था। इन सभी विचारों पर सोचने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि जेफरसन होप इस शहर के गाड़ीवानों में पाया जा सकता है। अगर अब तक वह कैब ड्राइवर था तो कोई कारण नहीं कि उसने अब अपनी यह नौकरी छोड़ दी होगी। इसके विपरीत उसके नजरिए से देखे तो अचानक अपनी नौकरी छोड़ना अपनी ओर लोगों का ध्यान खींचना होता है। कुछ समय के लिए ही सही, वह अपनी यही नौकरी करता रहेगा। यह मानने का भी कोई कारण नहीं था कि उसने अपना नाम बदल लिया होगा। वह उस देश में अपना नाम क्यों बदलेगा जहां कोई उसका असली नाम नहीं जानता था। इसलिए मैंने अपनी स्ट्रीट अरब जासूसी सेना तैयार की और उनको सिलसिलेवार लंदन की हर कैब कंपनी के मालिक के पास भेजा, जब तक उन्होंने उस आदमी को ढूंढ नहीं निकाला जिसकी हमें जरूरत थी। उनको इसमें कितनी सफलता मिली और मैंने कितनी जल्दी इसका फायदा उठाया, अभी तुम लोगों की यादों में ताज़ा है। स्टेंजरसन की हत्या बिल्कुल ही अप्रत्याशित घटना थी, पर जिसको रोका नहीं जा सकता था। उसके जरिए, जैसा तुम जानते ही हो, मुझे वे गोलियां मिली जिनके बारे में मैंने अंदाज लगा लिया था। यह पूरा मामला एक के बाद लगाए गए तर्कों की कड़ी से सुलझा है, किसी भी गलती या चूक के बगैर। यह अद्भुत है, मैं बोल पड़ा। तुम्हारे गुणों को सार्वजनिक तौर पर मान्यता देनी चाहिए, तुमको इस मामले का ब्यौरा छपवाना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं करूँगा। तुम जो करना चाहो करो, डॉक्टर, वह बोला। यहाँ देखो, वह आगे मुझे एक कागज थमाते हुए बोला, इसको देखा। वह उस दिन का एको था और उसने जहाँ इशारा किया वह इस मामले को अर्पित था। उसमें लिखा था, होप नाम के शख्स की आकस्मिक मौत से, जो मिस्टर एनोक ड्रेबर और मिस्टर स्टेंजरसन की हत्या का आरोपी था, जनता ने एक सनसनीखेज चटपटी खबर का लुत्फ खो दिया है।
इस मामले का पूरा ब्यौरा शायद अब कभी भी मालूम नहीं पड़ सकता। हालांकि विश्वस्त सूत्रों से हमें पता चला है कि यह अपराध एक पुरानी रोमांटिक रंजिश की वजह से हुआ, जिसमें मोहब्बत और मोमन परंपरा का हाथ था। ऐसा लगता है कि दोनों मारे गए शख्स अपने युवा दिनों में लेटर डे सेंट्स के साथ थे और मृत कैदी होपी सॉल्ट लेक सिटी में रहता था। अगर केस का और कोई असर नहीं होता तो भी कम से कम यह हमारी जासूसी पुलिस की काबिलियत को उजागर करता है और सभी विदेशियों को सबक देता है कि बेहतर होगा कि वे अपनी रंजिशें अपने घरों में ही निपटाएं और उन्हें ब्रिटेन की जमीन तक न लाएं। यह एक खुला राज है कि इस कैद का श्रेय पूरी तरह से स्कॉटलैंड यार्ड के मशहूर अफसरों मिस्टर लेस्ट्रेड और मिस्टर ग्रेगसन को जाता है। ऐसा लगता है कि यह आदमी कोई मिस्टर शर्लॉक होम्स के कमरे में गिरफ्तार किया गया था, जो खुद ही अभी नौसिखिया है। इसने जासूसी की दुनिया में थोड़ा बहुत हुनर दिखाया है और जो इतने काबिल दो शिक्षकों के साथ रहकर कुछ समय में उनकी थोड़ी बहुत काबिलियत प्राप्त कर लेगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इन दो अफसरों की अच्छी सेवाओं के लिए इन लोगों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। शुरू करने से पहले ही क्या मैंने यह बात नहीं बताई थी, हंसते हुए शर्लॉक होम्स ने कहा। हमारी स्टडी इन स्कारलेट या खून का यह नतीजा निकला प्रमाण पत्र उनको मिलेंगे। कोई बात नहीं, मैंने जवाब दिया, मैंने पत्रिका में सारे तथ्य लिख दिए हैं और लोगों को सारी बातें मालूम पड़ जाएंगी। इस बीच तुमको यह मानकर खुश होना चाहिए कि तुम्हारी मेहनत रंग लाई।